बांसडी विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया है जहाँ घाघरा नदी पे काम हो रहा है। इन दिनों कटान बहुत तेजी से चल रहा है। गांव के लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, उनकी ज़मीनें जो है नदी में समाहित हो रही है। यहाँ योगेश्वर सिंह के लिए काम कर रहे पूर्व प्रधान चंद्रकेश सिंह यहाँ मौजूद हैं, जो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उनका ये कहना है यहाँ जो काम हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ वर्क हो रहे हैं, उससे इस कटान से लोगों को राहत नहीं मिल सकता है। इसके लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बिना ठोस कदम उठाए किसानों के, काश्तकारों की जो ज़मीनें घाघरा नदी में कट कट कर समाहित हो रही हैं, वो रुकेगा नहीं। इसलिए यहाँ ज़रूरत है कि एक ठोस कदम उठाया जाए, ताकि इस एरिया में रहने वाले लोग जो शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और कोशिश में हैं कि उनकी ज़मीनें बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। चंद्रकेश सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं वहाँ की स्थितियों के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि बांसडी विधानसभा क्षेत्र के दीरांचल के सुल्तानपुर, मलाहीचक, भोजपुरवा, टिकुलिया, ककरघट्टा आदि कटान बाढ़ क्षेत्रों में योगेश्वर सिंह के निर्देश पर चंद्रकेश सिंह पहुँचे हुए हैं। यहाँ वह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो बताया कि जो सरकार की तरफ से और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कटान नहीं रुक सकता। हालांकि प्रशासन और शासन पूरी कोशिश में है कि इसको रोका जाए, कैसे रोक, देखिए प्रयास भी हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जब तक ठोकर परमानेंट नहीं बनेगा, तब तक कटान नहीं रुकेगा। यहाँ के लोगों ने ठोकर की मांग की है कि ठोकर से ही यहाँ कटान रुक सकता है। और वैसे भी मिट्टी डालकर, बोरे में मिट्टी डालकर नदी में फेंका जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि कटान ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक प्रयास, इन्होंने बताया कि प्रयास होना चाहिए। हालांकि प्रशासन और शासन प्रयासरत, यहाँ सांसद भी पहुँच चुके हैं, विधायक भी पहुँच चुके हैं, प्रभारी मंत्री भी पहुँच चुके हैं, देख चुके, आवश्यक निर्देश भी उन्होंने दिया है कि जितना जल्दी हो सके इसको बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि किसानों की, काश्तकारों की, गाँव के लोगों की ज़मीनें जो है जो नदी में कट कट के जा रही है, वो बच सके। तो जैसा उन्होंने बताया कि बड़ा बुरा हाल है, कैसे ये दूर होगा, कैसे समस्या का समाधान होगा, इसको लेकर वह प्रयास है। योगेश्वर सिंह ने जैसा बताया कि उन्होंने SDM साहब से बातचीत की है, यहाँ की चीज़ों से उनको अवगत कराई। SDM साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम जितना जल्द हो सकता है, जितना भी उनके स्तर से जो प्रयास हो सकता है वो करेंगे, ताकि किसानों की, काश्तकारों की ज़मीनें बच सकें। तो आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।